हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि बनाई है तो फिर भगवान ब्रह्मा और अन्य भगवानों का दखल केवल भारत में ही क्यों है? बाकी संसार के अन्य देशों में क्यों नहीं है? दोस्तों, ये अल्लाह और जीसस कहाँ से आ गए? दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि भगवान या ईश्वर एक ही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव शंकर, गणेश, इंद्र आदि नाम उसी एक परमात्मा का ही है। अतः जिसे आप सृष्टि बनाने वाला या दखल डालने वाला कह रहे हैं, वह सब एक ही है। ईश्वरों के भिन्न भिन्न स्वरूप और भिन्न भिन्न कार्य या दखल अंदाजी, ये सब पुराणों का झमेला हो सकता है, इसमें सत्यता नहीं है। ईश्वर का दखल न भारत में है न अन्य देशों में है। ईश्वर ने तो प्राणी मात्र के लिए अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी का निर्माण किया है और बिना किसी भेदभाव के पृथ्वी पर विभिन्न अन्न, औसत, वनस्पतियों आदि का पैदा किया है। ईश्वर या ईश्वर की कृपाओं को भारत तक या हिंदुओं तक सीमित मानना मूर्खतापूर्ण लोगों का काम होता है। जैसे हमारे यहाँ पुराणों की उटपटांग मान्यताएं प्रचलित है, वैसे ही इस्लामिक देशों में अल्लाह को लेकर और ईसाई वाले देशों में जीसस को लेकर अपने अपने ढंग की मान्यताएं चली हुई है। ये सब लोगों ने अपनी अपनी सोच से पैदा कर लिए है, वरना ईश्वर तो एक ही है। एक सब विप्रा बहुधा बदंती। दोस्तों, उसमें बताए गए किसी शब्द से आपको तकलीफ है तो माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करना मत भूलना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।